हेलो सर गाइस, आई होप बोलना बाकी न्यू वीडियो। आज अपन हम बात करने वाले बर्गर किंग के बारे में। बर्गर किंग ऑन एंड अराउंड 180 के पास ट्रेड करा था, तब कहा था कि निकल जाओ इसमें से, एंड आई होप आप निकले होगे क्योंकि अभी 154 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके सो अभी बर्गर किंग के साथ एक न्यूज़ भी आई है, तो उसे हम यहाँ पर गौर से देखेंगे। न्यूज़ ये आई है कि बर्गर किंग क्वार्टर 3 रिजल्ट्स, फास्ट फूड चेन रिपोर्ट्स लॉस ऑफ ₹29 करोड़ एंड रेवेन्यू डिक्लाइन 28%। सो बुरी बात है या अच्छी बात है, एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यानी लास्ट ईयर तक यहाँ पर इसने ऑन एंड अराउंड बहुत ही ज़्यादा लॉस दिखाया था। इसके टोटल है जो तब तक ईयर एंड या पीरियड एंड का था, तब तक बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था। बट एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस क्वार्टर्स यहाँ पर थोड़ी रिकवरी है। ये जो लॉस हुआ है बट एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स ऑफ द करंट ईयर ओनली, ये अच्छा परफॉर्म किया है। यानी लॉस तो हुआ है, प्रॉफिटेबल बना नहीं है अभी तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट कम हुआ है एज कंपेयर्ड टू जो पहले हुआ था उससे कंपेरेटिवली कम हुआ है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉस बड़ा है। सो वो बुरी बात है, वो ऑब्वियसली बुरी बात है, बट फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि कोविड वाली सिचुएशन चालू है, कम्प्लीटली सारा ओपन नहीं है, लोग ज़्यादा खा नहीं रहे हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में अवॉइड कर रहे हैं, सो इट इज़ मैनेजेबल, यानी ठीक ठाक है। बट अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर्ड टू जो कोविड वाला पूरा सिचुएशन था पीरियड में, जो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1189.46 रुपीज़ इन मिलियन, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। सो कंपैरेटिवली इट इज़ बेटर नाउ, अभी यानी थोड़ी रिकवरी तो हुई है, लॉस तो हुआ है बट रिकवरी हुई, उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ जितना पहले के क्वार्टर्स में हुआ था। सो एक अच्छी बात है। सो अभी यहाँ पर ये देखना बाकी है कि मार्केट इसको कैसे वे में लेता है, पॉजिटिव वे में लेता है कि यहाँ पर एटलीस्ट पिछले क्वार्टर से तो अच्छा ही परफॉर्म किया, या नेगेटिव वे में लेता है कि यहाँ पर अभी तक ये लिस्ट होने के बाद भी, कोरोना सिचुएशन ऑलमोस्ट जाने के बाद भी ये प्रॉफिटेबल नहीं बना, तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर अगर हम इसके वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा भाग चुका है। सो अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर है, बट ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक स्टॉक है। यानी हम देख सकते हैं टेस्ला भी अपने वैल्यूएशन पे नहीं चल रहा, बट टेस्ला थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है बहुत ज़्यादा भाग जाता है। सो वो ऑप्टिमिस्टिक स्टॉक है। ऑप्टिमिस्टिक स्टॉक हमेशा अपने लेवल्स के, अपने वैल्यूएशन के थोड़े ऊपर ही ट्रेड करते हैं। इसलिए यहाँ पर बर्गर किंग में हमें वो देखना पड़ता है कि अभी यहाँ पर इसे मार्केट किस वे में लेता है। पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स ये अच्छा परफॉर्म किया है, बट नेगेटिव साइड ये है कि अभी तक ये प्रॉफिटेबल बना नहीं है इवन आफ्टर लिस्टिंग। ऑब्वियसली आईपीओ के टाइम में मैंने कहा था कि इसे प्रॉफिटेबल बनने में डायरेक्टली एक या दो क्वार्टर में नहीं बनेगा, इसे ऑलमोस्ट एन कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर तक लग सकता है, क्योंकि वो पैसे आएंगे, उसकी डेवलपमेंट करेंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसके बाद वो वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे और बाद में वो बैलेंस शीट के ऊपर दिखने लग जाएगा। सो कंपनी तो ग्रो करी है, ये अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल ये अभी तक बनी नहीं है, फ्यूचर में ये बन सकती है एंड मोस्ट प्रॉब्ली सबको लग रही है बन रही है, इसलिए तो ये ऑब्वियसली अपने वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए आप जैसे बहुत से लोग इसे होल्ड भी कर रहे हैं। ओके सो अभी यहाँ पर मार्केट कैसा बिहेव करता है ये देखना बनता है, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड को पॉजिटिवली लेता है या नेगेटिव साइड को ज़्यादा ही नेगेटिवली लेता है। सो वो देखना बाकी है अभी करंटली। सो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा इन अपकमिंग, आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, ये आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि ये कैसे बिहेव करता है, मार्केट का क्या सिचुएशन है ओवरऑल अराउंड बर्गर किंग। ओके सो अभी आप मुझे बताओ कि रोहित क्या होगा ये बताओ, तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों बता दिए। अभी मार्केट डिसाइड करेगा कि इसे पॉजिटिव साइड पकड़ के चलना है या नेगेटिव साइड पकड़ के चलना है। ऑप्टिमिस्टिक स्टॉक है तो मोस्ट प्रॉब्ली पॉजिटिव साइड पकड़ के चल सकता है, बट वी नेवर नो, मार्केट तो हमेशा नेगेटिव, मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ पे 1% भागता है और नेगेटिव न्यूज़ पे 10% गिरता है, तो ये जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं इन सभी को पता है। सो वैसे भी बात है, अभी देखना यहाँ पर बाकी कि मार्केट कैसा बिहेव करता है इसके ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ ग्रेट स्टॉक, कोई इसमें पाबंदी नहीं है यहाँ पर कि बुरा है,
प्रॉफिटेबल तो ये फ्यूचर में जाके बनेगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, अभी पैसा रेस किया है, इंटरनेशनल कंपनी है। एंड आप सभी को पता है बर्गर किंग एक्चुअल में क्या है, इसकी सर्विस क्या है और कहाँ तक पहुँच है इसकी और आगे कितना फ्यूचर है इसका, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ओके। बट एज अ पर्टिकुलर स्टॉक शॉर्ट टर्म वगैरह की बात करें तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ओके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा। इट्स अ होस्ट विद पसंद का सिंह भाई।